कंपनी रनिंग एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा, रिक्वेस्ट योर एडवाइस अबाउट द एरिया टू बी अलॉटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स विच वुड रिजल्ट इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट. द कंपनी कंटेम्पलेट्स ग्रोइंग एप्पल, लेमन, ऑरेंजेस एंड पीच. सेलिंग प्राइस पर बॉक्स दे रखा है. सीजन यील्ड बॉक्स पर एकड़, यानी 1 एकड़ पर कितने बॉक्सेस आ जाएंगे वो आपको दे रखा है. फिर आपको मटेरियल पर एकड़ दे रखी है. ग्रोइंग, पिकिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये दे रखी है. लेबर से रिलेटेड आपको कुछ पर एकड़ दी हुई है. हो गया ये? उसको दिक्कत आ रही थी, अभय ने पूछा है, तो मैं इसका प्रोडक्ट मिक्स बता रहा हूं बस. रैंकिंग वगैरह तो निकाल ही ली होगी. देखो ये क्या बोल रहा है, एरिया जो टोटल अवेलेबल है, ये लीजिए टोटल एरिया है 450 का, 450 एकड़, ठीक है. लेकिन इसमें से 300 एकड़ जो है आपका, ये मैंने ले लिया 300, और ये बचा आपका 150, ठीक है. इस 300 एकड़ पर केवल ऑरेंजेस और लेमन हो सकते हैं, और 150 पर क्या हो सकता है, एप्पल, लेमन, ऑरेंजेस और पीच, ये सारे हो सकते हैं. फिर इसने आपको दिया है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है कि सभी की आपको मिनिमम क्वांटिटी 18,000 बॉक्सेस चाहिए, मिनिमम चाहिए आपको 18,000 बॉक्सेस. ठीक है, मुझे इनकी रैंकिंग बता दो. एप्पल, लेमन, ऑरेंजेस और पीच, इनकी रैंकिंग निकाली होगी आपने. मुझे रैंकिंग बताएं क्या क्या आ रही है. बोलिए भाई रैंकिंग फटाफट से. रैंकिंग आप बता रहे हो, पीच की फर्स्ट, एप्पल की सेकंड, ऑरेंजेस की थ्री और लेमन की फोर, ठीक है. आइए अब सबसे पहले उसने क्या बोला है कि आपको मिनिमम तो क्वांटिटी क्या करनी है, ग्रो करनी ही करनी है, ठीक है. मिनिमम 18,000 बॉक्सेस. ये देखिएगा, ये आपकी रैंकिंग आ गई, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड. चलिए अब बिल्कुल ध्यान से देखना. सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास जो 300 एकड़ की लैंड है. तो लीजिए मैं पहले बात करता हूं 300 एकड़ लैंड. इस पर आप दो ही क्रॉप लगा सकते, दो ही फ्रूट्स लगा सकते हो, तो पहले उनकी मिनिमम क्वांटिटी तो बनानी ही बनानी पड़ेगी. आइए ऑरेंजेस की मिनिमम क्वांटिटी और लेमन की मिनिमम बताइए. आपको मिनिमम चाहिए 18,000 बॉक्सेस, ठीक है. अब मुझे बताइए आप 1 एकड़ में कितने बॉक्सेस लगा पाते हो, कितने आते हैं ऑरेंजेस के? ऊपर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. लीजिए ये देखो, ऑरेंजेस में आपको दे रखा है 100 बॉक्सेस पर एकड़. तो अगर 18,000 बॉक्सेस आपको चाहिए तो इसका मतलब आपको 18 एकड़ लैंड चाहिए होगी. सॉरी, 180 एकड़ की लैंड तो ऑरेंजेस के लिए चाहिए. अब इधर आ जाओ, 18,000 डिवाइडेड बाय
लेमन के लिए कितनी है? 150। तो 120 एकड़ ये हो गई। क्या और कोई लैंड बची है इसमें या पूरी 300 एकड़ यूज हो गई? पूरी 300 यूज हो गई। तो इसका मतलब हम 300 एकड़ लैंड पर केवल और केवल क्या कर पाएंगे? बस ये ऑरेंजेस और लेमन ले पाएंगे। आइए अब 150 एकड़ लैंड, वन फिफ्टी पर आइएगा। इसमें सबसे पहले मिनिमम क्वांटिटी अब एक तो बनानी है एप्पल की और एक बनानी है पीच की। 18,000 बॉक्सेस एप्पल और 18,000 बॉक्सेस पीच के। आओ तो एप्पल कितना होता है? तो 18,000 डिवाइडेड बाय 500, 36। और पीच में आ जाएगा आपका 18,000 डिवाइडेड बाय 200, तो 90। अभी भी कुछ लैंड आपके पास बची रह गई क्या? तो रिमेनिंग लैंड है 150 माइनस 36 और माइनस 90, 24। बताइए इस 24 एकड़ पर क्या लगाएंगे? तो एप्पल और पीच में से किसकी रैंकिंग बढ़िया है? पीच की रैंक फर्स्ट है, तो हम पूरे 24 एकड़ पर क्या करेंगे? पीच और लगा देंगे। तो यानी 4800 बॉक्सेस और आ जाएंगे। तो 4800 डिवाइडेड बाय 200, ये लो प्रोडक्ट मिक्स हो गया। अब है पीच पर टोटल 114 हो गया। पीच ही क्यों? अनुश्री देखो, पीच की रैंकिंग फर्स्ट है। देखो मेरी बात को समझना, आपने चारों की मिनिमम बना दी। अब चारों की मिनिमम बनाने के बाद रिमेनिंग जो लैंड बचेगी उस पर आप वही फ्रूट्स ग्रो करोगे ना जिसकी रैंक सबसे हाई है, जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा। तो जो पीच है वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा। तो पीच की रैंक क्या है? फर्स्ट रैंक है, तो वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा। क्लियर है? अनुश्री आ गया समझ में? रैंकिंग कैसे करते हैं? रैंकिंग कंट्रीब्यूशन के आधार पर, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन को फर्स्ट रैंक, कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू की फैक्टर। 4800 कैसे आया? देखो एक एकड़ में 200 बॉक्सेस हैं, तो 24 एकड़ में कितने हुए? 24 इंटू 200, तो ये बॉक्सेस लिखे हैं ये मैंने। हालांकि यहां तो मुझे बस एकड़ का एलोकेशन करना था, तो एकड़ के अकॉर्डिंग आ गया। उसके बाद अब आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। देखिएगा ये आपके, ये क्वेश्चन आपके दोनों ग्रुप के मॉड्यूल में है, इलस्ट्रेशन नंबर 17। अभी मैं करवा रहा हूं पेपर नंबर 8 से आपको। ग्रुप 1, इलस्ट्रेशन नंबर 17, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर। देखो क्या बोल रहा है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर्स एंड सेल इट एट ₹3,000 ईच। सेलिंग प्राइस दे रखी है 3,000। एन इंक्रीज ऑफ 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल
and 20% of labor cost is anticipated. The increased cost in relation to the present sale price would cause at 25% decrease in the amount of profit per unit. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सेलिंग प्राइस जो होती है वो किसका ब्रेकअप होती है? सेलिंग प्राइस ब्रेकअप होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का. बिल्कुल धीरे धीरे समझना, आराम से. अगर मैं सेलिंग प्राइस को तोड़ना चाहता हूं तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का ब्रेकअप होती है. नाउ अब उसने क्या बोला है, एट प्रेजेंट जो है आपकी डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 50% है. ठीक है, वेजेस की जो कॉस्ट है आपकी वो 20% है और जो ओवरहेड्स हैं वो 30% है और ये मिलाकर आपकी कॉस्ट बनेगी. लेकिन कितना ये मुझे नहीं दे रखा है. ठीक है, फिर उसने बोला कि अगर मटेरियल यहां 50 लग रहा था तो इसमें अब 17% इंक्रीज हो जाएगा, लेबर की कॉस्ट में 20% इंक्रीज हो जाएगा. इसमें कोई चेंज नहीं बोला तो ये वही रहेगी जो सेम चल रही थी पहले. अब मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन ने बोला अगर कॉस्ट बढ़ती है, सुनना बहुत ध्यान से, कॉस्ट बढ़ती है और अगर आप सेलिंग प्राइस वही मेंटेन रखोगे जो कि अभी मेंटेन है तो क्या आप मानते हो कि प्रॉफिट गिर जाएगा? पहले क्वेश्चन को समझो, इसने पैराग्राफ को क्या क्या बोला है. उसने बोला द इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल प्राइस, यानी हमारी कॉस्ट बढ़ गई लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है, तो इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो 25% गिर जाएगा. यानी प्रॉफिट डिक्रीज 25%. ये डेटा सारा उसने दिया है. सबसे पहले इसने बोला है प्रॉफिट और लॉस प्रेजेंट का निकालकर बताइए. अब देखिएगा, प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी कुछ भी नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास कॉस्ट और प्रॉफिट का डेटा नहीं है, तो कैसे करूंगा? आप देखिएगा, लेट कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू एक्स और लेट प्रॉफिट पर यूनिट is equal to y. लीजिएगा, मैंने दो बातें ले ली हैं, कॉस्ट पर यूनिट को मैंने x ले लिया और प्रॉफिट पर यूनिट को मैंने y ले लिया. दैट मींस मेरा जो मटेरियल है वो 0.50x हो जाएगा, जो वेजेस है वो 0.20x हो जाएगी और जो ओवरहेड है वो 0.30x हो जाएंगे और इनका टोटल x आ गया. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x मेरी टोटल कॉस्ट है प्लस y मेरा प्रॉफिट है, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 3000 के बराबर हो जाएगा. बोलिए, क्या मेरी यहां तक की बात समझ आ गई सबको? मेरी कॉस्ट अगर एक्स है, उसका ये ब्रेकअप है, और अगर कॉस्ट में वाई प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 3000. एग्री. आइए अगली बार क्या होगा सुनना, मटेरियल की कॉस्ट 17% से बढ़ गई तो 0.5 प्लस 17%, इसका मतलब अब मेरी कॉस्ट 0.585x हो जाएगी. ये कॉस्ट मेरी 0.24x हो जाएगी और ये सेम रहेगी, तो बताओ मेरी कॉस्ट का टोटल क्या आया? 0.585 प्लस 0.24 प्लस 0.2, दैट इज 1.025x.
अब उसने क्या बोला था, 1.025x प्लस, ध्यान से सुनना, कॉस्ट बढ़ी उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो 25% कम हो गया। तो अगर अभी मैं y कमा रहा था तो अब मैं कमाऊंगा 0.75y, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3000। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, प्रेजेंट की और ये प्रपोज्ड की। वापस से देख लेना, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी, फिर उसने बोला था कि कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो 25% गिर जाएगा। तो अगर मैं अभी वाई कमा रहा हूं तो वाई में से 25% हटा दो, वाई में से 25% हटा दो, तो यानी अब मैं केवल 0.75y कमाऊंगा और सेलिंग प्राइस वही 3000 है। बोलो क्या ये दूसरी इक्वेशन भी समझ आ गई? अब अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो xy निकाल सकते हैं अपन, तो xy निकाल लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक तो है 3000 इक्वेशन, 1.025x प्लस 0.75y इज इक्वल टू है 3000। आता है मैथ्स को, मैथ्स का ये पार्ट, xy की वैल्यू निकालो, टोटल एक मिनट, 0.585 प्लस 0.24 प्लस 0.3, सॉरी 1. हाँ बिल्कुल ठीक है, 1.125। क्या करें, इक्वेट करने के लिए इस पूरी फिगर को मैं 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 0.75x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 3000 इंटू 0.75, तो ये हो गया 2250, 1.125x 0.75y इज इक्वल टू 3000। तो ये आएगा 0.375x मस्ट बी इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 2000, यानी हमारी कॉस्ट का टोटल तो आ गया 6000 के 2000। और y हो जाएगा आपका 1000, ये लीजिए y की वैल्यू आ गई 1000। देख लीजिए, यहां तक समझ लीजिए, कुछ नहीं किया, बस दो इक्वेशन बनाई मैंने सेलिंग प्राइस की और उनको सॉल्व करके मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली। बोलिए, अब अगर एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो पहला क्वेश्चन हम बना सकते हैं, स्टेटमेंट बताना था प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट निकालते हुए। तो लीजिए, ये हटा दूं, सारा बना लिया सबने, बनाइए, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट पर यूनिट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, 2000 टोटल कॉस्ट है इंटू 0.5, 1000 रुपए की तो हमारी मटेरियल कॉस्ट हो गई,
डायरेक्ट वेजेस 2000 इंटू 0.20 ₹400 और ओवरहेड 2000 इंटू 0.30 600, तो टोटल कॉस्ट आ गई 2000। सेलिंग प्राइस है आपकी 3000, तो लीजिए प्रॉफिट आ गया, ये हमारा प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गया। क्लियर है? बिल्कुल, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1000। अब इसने क्या पूछा है, कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। अब इसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा वो समझना। उसने बोला है आप नई सेलिंग प्राइस निकालकर बताओ, अगर आपको प्रॉफिट का कॉस्ट पर वही परसेंटेज रखना है जो अभी है, तो पहले प्रेजेंट प्रॉफिट की रेट निकाल लेते हैं। तो बताइए रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी आ रही है। 1000 का प्रॉफिट है 2000 की कॉस्ट पर, क्योंकि उसने बोला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट से निकालना है, दैट मींस 50% आ गया ऑन कॉस्ट। आपकी प्रॉफिट की रेट आ गई कि प्रेजेंट में आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 50% है। अब आइए, अब हम स्टेटमेंट ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस, स्टेटमेंट ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस आइए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, 0.585 इंटू 2000। प्रेजेंट में हमारी मटेरियल का रेशियो 0.585 हो गया था और एक्स की वैल्यू हमने 2000 निकाली थी, तो इंटू 0.585 आइए। डायरेक्ट वेजेस का रेट क्या था, 0.24 और इंटू 2000, 480 आ गया। ओवरहेड था 0.30 इंटू 2000, टोटल कॉस्ट 1170 प्लस 480 प्लस 600 2250 प्लस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर 50% है, तो यानी 1125 का प्रॉफिट हो गया, तो ये आपकी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये लीजिए, ये आपकी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आ गई 3375। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल, ये आपके पास आ गई रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। देख लीजिए, कोई बात पूछनी हो तो इस इलस्ट्रेशन में, तो ये एक डिफरेंट पैटर्न का इलस्ट्रेशन था आपका। हाँ जी सर, आपने ना 50% ऑन कॉस्ट निकाल के है ना वो निकाल दी कि परसेंटेज क्या है ना। हाँ। सर आपने जब वो वाला क्वेश्चन, जब आपने वो है ना वो क्या बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनाई थी, तब अमाउंट तो आपने सेलिंग प्राइस का 3000 ही रखा था ना। हाँ, तो इस बार इसने चेंज करवा दी ना सेलिंग प्राइस। उसने पहले तो मैंने क्या किया था, उसने ऊपर वाली इक्वेशन काम में ली थी कि उसने बोला था कि प्रेजेंट सेलिंग प्राइस होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस सर, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट अगर मुझे सेम रखना है तो सेलिंग प्राइस नई कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा ठीक है सर,
पहले उसने एक रिलेशन दिया, उसने कहा कि अगर कॉस्ट बढ़ती है और सेलिंग प्राइस आप 3,000 ही रखते हो तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन फिर उसने क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा कि आप प्रॉफिट को सेम रखो तो ये निकाल कर बताओ कि अब आपको अपनी सेलिंग प्राइस को कितना चेंज करना पड़ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रखना है, ओके प्रॉफिट का सर। अमाउंट नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम रखना है कि प्रेजेंट में हम जो प्रॉफिट कॉस्ट पर कमा रहे हैं, अगर वही प्रॉफिट कमाते रहें कॉस्ट पर तो हमारी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो इसलिए मैंने परसेंटेज निकाल लिया 50%, और वही 50% मैंने यहां मेंटेन करवा दिया। ठीक है, चलिएगा। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 20, अब देखना थोड़ा सा और बेसिक, मतलब माइंड में थोड़ा सा ये कि वो पॉइंट समझ में आने चाहिए। देखो ये क्या बोल रहा है, मिस्टर यंग हैज ₹1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। देखो ये मिस्टर यंग है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी जेब से मनी ब्लॉक कर दी। कितनी मनी ब्लॉक कर दी? इन्वेस्टमेंट है इनका 1,50,000 का। ठीक है, अब इनकी आरओआई, इन्हें क्या चाहिए? ये चाहते हैं कि यार अगर इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कम से कम मुझे 15% रिटर्न मिलनी चाहिए। भाई अगर मैं इस पैसे को बिजनेस में न लगाकर कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे 15% की क्या मिल जाती? रिटर्न मिल जाती। तो यानी इनकी रिटर्न क्या हो गई? 1,50,000 पर 15% की रिटर्न हो गई, तो ये आ गए ₹22,500। इतनी रिटर्न ये मान के चल रहे हैं कि मुझे मिलनी चाहिए। आ जाओ, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 60% दे रखी है तो आपको पता है कि आपका जो पीवी रेशो बनेगा वो 40% बन जाएगा। हम ऑलरेडी इस रिलेशन को बात कर चुके हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो पीवी रेशो कितना हो जाएगा? 40%। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 75,000। ये सारा डेटा उसने क्वेश्चन में दे रखा है। करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है बीईपी निकाल के बताइए। तो हमारा बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी है? 75,000, और पीवी रेशियो है 40%। आंसर निकाल लीजिए, 187,500। ये तो आपका बीपी आ जाएगा 187,500। आइए सेकंड क्वेश्चन सुनना। व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ओब्टेन्ड टू हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी ये तो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया और सेल्स मांगी है उसने, तो डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो
फिक्स कॉस्ट है 75,000 प्लस 22,500 का डिजायर्ड प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय 40%, तो ये आपकी डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी। 75 प्लस 243,750, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, 243,750। कर लें ये दोनों पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे हम। क्लियर है बिल्कुल सबको? आइएगा, रुकिए सर, रुकूं? बोला ही नहीं आपने, दो ओके हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन को समझना। मिस्टर यंग एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस, यानी वो अपने बिजनेस को क्या कर दे, क्लोज कर दे, बंद कर दे, तो अगर वो क्लोज करता है तो भी उसे 25,000 के खर्चे करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये एक तरह की फिक्स कॉस्ट लग रही होगी आपकी, क्योंकि कोई भी कॉस्ट जो जीरो लेवल पर भी लगती है वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, और अभी जब आप उसे ऑपरेट कर रहे हो प्रेजेंट में, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो लग रही है कितनी, 75,000। बोलो यहां तक दो बातें क्लियर? वो बोल रहा है कि अगर मिस्टर यंग बिजनेस को बंद भी कर दे तो भी उसे 25,000 का खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा, और अगर वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है तो उसे 75 का खर्चा करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट ड्यू टू ऑपरेशन 50 ही तो एक्स्ट्रा लग रही है, आप समझना मेरी बात को, 25,000 का लगना तो तय है, आप अपने बिजनेस को बंद करोगे तो भी 25 लगेगी, और अगर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखोगे तो 75 लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आप ये बताओ एट व्हाट सेल्स वुड बी बेटर ऑफ By locking his sales up, what does it mean? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर मेरी सेल्स कितनी हो जाए कि मैं अपने बिजनेस को लॉक ना करूं, तो मेरी बात को सुनना, अगर मैं मिनिमम 50,000 कमा पाऊंगा तो क्या आपको लगता है मैं बिजनेस को कंटिन्यू रखूंगा? मेरी बात को, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, 25 का खर्चा तो दोनों केस में होगा, बंद कर दूंगा तो भी 25 का खर्चा, चालू करूंगा तो भी 25 का खर्चा, तो 25 से 25 तो कैंसिल हो गया, लेकिन अगर मैं बिजनेस को कंटिन्यू करता हूं तो 50 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा, यानी व्हाट डज इट मीन, मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो मिनिमम 50 आ जाना चाहिए। बोलो एग्री और नॉट? अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 के बराबर आ जाए तो मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर लूंगा। तो लीजिए, मैंने इसी से एक इक्वेशन बना दी, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल इक्वेशन, यानी मेरी सेल्स इंटू 40% इतना आ जाना चाहिए कि ये 50,000 के बराबर हो जाए। मेरी सेल्स का कैसे आया, क्या चीज अंजलि?
बोलो अंजलि। अच्छा 50 कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस देखो, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप बिजनेस को बंद करोगे तो 25 का खर्चा होगा, और अगर ऑपरेट करोगे तो 75 का खर्चा होगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि केवल और केवल ऑपरेट करने का एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है? 25 तो दोनों में कॉमन है ना, यानी ये 25,000 का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, आप काम करो चाहे मत करो। तो काम करने का खर्चा कितना हो गया? क्लियर है अंजलि? ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरी कितनी सेल होनी चाहिए कि उसका 40% 50,000 के बराबर आ जाए? तो द सेल्स विल बी इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 40%, दैट इज 1,25,000। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझ आ रही है? अगर मेरी सेल 1,25,000 से 1 रुपया भी ऊपर चली गई ना, तो मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखूंगा। 1,25 पर तो मेरा बीपी आ गया, इवन मैं इस पर भी रखूंगा, क्योंकि मुझे मेरी सारी फिक्स कॉस्ट अगर रिकवर हो रही है तो हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि देखिए रीजन क्या होता है, बिजनेस को अगर एक बार आप बंद कर देते हो ना, तो इसके अदर फैक्टर भी बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो आज आपने कोई बिजनेस बंद कर दिया, तो आपके जो कस्टमर हैं वो किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे, तो फिर जब आप रीओपन करोगे तो वापस आना पॉसिबल नहीं है उनका। तो बेसिकली अगर मैं एट प्रेजेंट 1,25,000 रुपए की सेल कर पा रहा हूं, तो मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट रखूंगा, मैं उस बिजनेस को लॉक नहीं करूंगा। तो अब आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ना, ये कॉन्सेप्ट पर था कि आप कैसे उस चीज को सोचते हैं, बस। क्लियर है? बिल्कुल। चलिएगा, आज मैं आपको अभी ग्रुप पर स्कैनर के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। स्कैनर्स मिल गए ना आप लोगों को? हाँ, तो मैं स्कैनर के कुछ अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर भेजूंगा, आप वो करेंगे ताकि आपका पुराना सारा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। एक बार आप सारे फॉर्मूले पढ़ लेना, और फॉर्मूले पढ़ के स्कैनर के कुछ क्वेश्चन करना, 10-1 क्वेश्चन है जो उन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। तो इससे आपका क्या है, जो गैप आया वो सारा रिकॉल हो जाएगा कि फॉर्मूले कैसे कैसे अप्लाई होंगे आपके।